गुरुजी आज क्या समझा रहे हो? आज मैं बहुत गजब का सूत्र बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये देखें, हमने घी डाल दिया था इसके अंदर एक चम्मच के करीब, और ये अब हमने इसमें गुड़ डाल दिया, ये गुड़ डाल दिया, ये मैं आज ना आपको त्रिफला को गुड़ में कैसे मिक्स करना है, कैसे गोलियां बनानी है, उसकी कैसे खानी है, जो जो हमारे काम आएंगी ना सारा वो मैं बताऊंगा। कई लोग कहते हैं जी हम ये बड़ा कैसेला होता है, पानी से नहीं लिया जाता त्रिफला, तो मैं कहता हूँ दूध के साथ ले लो जब भी इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये सबसे पहले हमने घी में ये अपना गुड़ गर्म कर लिया। अब इसके अंदर हमने ये अंदाजे से मतलब मान लो हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है, तो 100 ग्राम हमने त्रिफला पाउडर ले लिया, ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर ना हमने कम से कम भी लगभग 200 ग्राम माल हो गया उसके अंदर, अंदाजे से ना 5 ग्राम के करीब अपन इसमें सफ़ेद मिर्च डाल दी। तो अब इसको हिलाना है इस प्रकार से, और ये सारा अपना मटेरियल तैयार हो जाएगा। उसके बाद ना इस प्रकार से ये गोलियां गूंथ लेनी है, ये गोलियां। तो अब इन गोलियों का क्या फायदा है, खाना खाने के बाद 2 गोली अपने मुंह में रखना है, कोई दो बार या कोई 3 बार जितनी बार भी खाना खाता है ये रख ले। तो अब इससे देखो कितना फायदा होगा। सबसे पहले तो हमारे बाड़ों के लिए, बाड़ों को काला, बाड़ों को झड़ने नहीं देगा। दूसरा उसके बाद आ जाओ आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ाएगा, आंखों को कमजोर नहीं होने देगा, आंखों की जलन खत्म करेगा त्रिफला। उसके बाद नेजल की कफ की परेशानी ये दूर करेगा, जुखाम में भी काम करता है, क्योंकि हमने इसके अंदर सफेद मिर्च डाली है जो आंखों के भी लिए अच्छी रहती है और जुखाम खांसी के लिए भी अच्छी रहती है। उसके बाद आ जाओ हार्ट को, एक प्रकार का रसायन है जो हमारे हार्ट को भी बल प्रदान करता है, लीवर की सारी बीमारी दूर करेगा, कब्ज दूर करेगा, गैस को दूर भगाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गोली बनाए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और एक सिंपल सा मेथड बता दिया, इस प्रकार से करें। थैंक यू।